हाय फ्रेंड, डी एंड एस वीडियोज में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम सीखते हैं कि किस तरह से आवाज के माध्यम से गूगल वर्ड में टाइप किया जा सकता है, अर्थात कैसे वॉइस टाइपिंग की जा सकती है गूगल वर्ड में। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर में जाकर जीमेल को क्लिक करेंगे और जीमेल को लॉग इन करेंगे। दोस्तों, जीमेल का आधुनिक जीवन में वही महत्व है जो एपिक कार्ड, आधार कार्ड या डीएल का है। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि आप अपने जीमेल को टू स्टेप वेरिफिकेशन में जरूर रखें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे चैनल के इस वीडियो को देखें जिसमें ये बताया गया है कि जीमेल अकाउंट कैसे खोलते हैं और कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन उसमें सेट करते हैं। जैसे आपका जीमेल खुल जाए वैसे आप ये स्क्वायर डॉटेड गूगल एप्स पर जाएं और उसको क्लिक करें। वहाँ से आपको ड्राइव में जाकर क्लिक करना है। जैसे ही ड्राइव खुल जाए आप माई ड्राइव में जाकर क्लिक कर दें। माई ड्राइव से गूगल डॉक्स में आप क्लिक कर दें। जैसे ही गूगल डॉक्स खुल जाएगा आप टूल्स में जाकर टूल्स को क्लिक कर दें। टूल्स में आप वॉइस टाइपिंग पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से एक माइक्रोफोन का आइकॉन बनकर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश यूएस लिखा है। इस ट्रायंगल को आप क्लिक करें और वर्ड की लगभग किसी भी लैंग्वेज पर आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में टाइपिंग करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे हिंदी को क्लिक करना होगा। आप जिसमें भी टाइपिंग करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को क्लिक कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी आ गया है। इसके बाद आपको इस माइक के आइकॉन को क्लिक करना है, तो ये रेड कलर का हो जाएगा और ये ब्लिंक करने लगेगा। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले हमने अपना ब्राउजर खोला, इसके बाद जीमेल अकाउंट में लॉगिन हुए, वहां से जाकर गूगल एप्स में हमने गूगल ड्राइव खोला, गूगल ड्राइव से फिर हमने माई ड्राइव खोला, माई ड्राइव में टूल्स को खोला और टूल्स से वॉइस टाइपिंग को हमने खोल दिया। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इसमें लिख रहा है। जैसे ही आप जो भी लिखना चाहते हैं वो पूरा हो जाए आप उस माइक के आइकॉन को क्लिक कर लें तो ये बंद हो जाएगा। अब आप इस को सेलेक्ट करके और इसकी कॉपी बनाकर आप वर्ड में पेस्ट कर लीजिए। जैसे ही वर्ड में पेस्ट हो जाए आप इस में मन चाहा परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप बोलकर अपनी आवाज के माध्यम से गूगल वर्ड में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। भविष्य में मैं ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आप सब्सक्राइब के आइकॉन को जो आपके वीडियो के नीचे दिख रहा है उसे इस तरह से क्लिक करिए और बेल के आइकॉन को भी इस प्रकार क्लिक करिए। दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आया है
तो मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए लाइक के बटन को अवश्य क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए शेयर के आइकॉन को क्लिक करके उचित माध्यम से शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।